अच्छा, वो मिसाल है ना कि जिन्हें लोर नहीं वेख्या वो जमिए ही नहीं। ते हुण तुसी अपनी अपना मतलब कि एक्सपीरियंस शेयर करना है ते आखिर ते कहना है वो यूके नहीं आया, केड़ी ऐसी गल है। शुरू करते हैं राजा जी। तू जी राजा जी जिन्हें सिक्योरिटी नहीं की थी वो यूके नहीं आया। जी वो राजा जी, चाचा फार्मासिस्ट। वीरे जड़ा कि इतने रोया नहीं ना तो जदी मंजी नहीं फुकी ना सही करके तो यूके आया इंग्लैंड। सदी गल है, एक बार तो इतने वज जाती है ना बैंड सही करके। चलो ठीक फिर है ना पापा याद ना कर मामा। चलो जी, जी मलिक साहब, द ब्रांड ऑफ यूके एंड यूएसए एंड बर्तानिया। जिन्हें टेक भी नहीं किया वो यूके नहीं आया। हलाली। आ जी मलिक साहब। जिन्हें जलालत ने कटी हुई यूके। यार डॉक्टर, चल यार तेनू छड़ी ये। अच्छा ये डॉक्टर साहब मोहम्मद जैद खालिद। जिन्हें पीटा नहीं ना खाधी वो आके यूके नहीं आया। पीटा। अच्छा ना, इन्हें ये भी दसो कि इतने पीटा ब्रेड है जी सब तो सस्ती लग जाती है, तो स्टूडेंट उससे गुजारा करते हैं। ये उत्ते हम पाकिस्तान बह के ये ना सोच कि पीटा बहुत बड़ा ब्रांड है, स्टूडेंट जाके उ पीटा बड़ी बनाई होती है ना, इसे तो सिर्फ मैं टोस्टर से पाल काट लो खा लो। ठीक है जी बट साहब, मेरा सीरियस है थोड़ा जी साहब था। चलो दसो। जिन्हों यूके आके आपने प्योर की कदर नहीं हुई, उन्हें परदेश नहीं कटे। हाय हाय, वो यूके नहीं है। ठीक ठीक नहीं है। अब बट साहब, इसी के साथ ही बट साहब, सिर्फ एक सजेशन आने वाले इनके लिए, सिर्फ एक सजेशन, लंबी नहीं। कोई स्किल सीख के आएगा। स्किल लाइक कोई स्किल कुछ भी आप ना, एटलीस्ट काम, कोई और जॉब, कोई भी ना, कोई इतना काम कर जाओगे आप। हाँ बट सब कोई कोई काम पाकिस्तान से कोई काम कर गया हो, इस तरह ये नहीं है कि माँ बाप के हाथ से डायरेक्टली निकल के आ गए। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये स्किल्स आपको होने चाहिए। और दूसरा ये है कि कोई हाथ से काम करने का आपको तजुर्बा हो जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे आके आपको वो आर्टवर्क करना पड़ रहा है तो आत्म पड़ जाते हैं शुरू में, तो आपको इतना काम आना चाहिए। ओके सर जी। डॉक्टर साहब आपका एक मशवरा, मुफीद मशवरा और मुफ्त मशवरा। अपनी फील्ड में ट्राई करो, जिस फील्ड में आपका दिल लगे ना उस फील्ड में ट्राई करो, उस फील्ड में ट्राई करो जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। जिसमें आपको लगे यार किस फील्ड में मैं ना अबव एवरेज हूँ, मीडियो कम ही हूँ, फिर आपको उस फील्ड में इजिली जॉब भी मिल जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाएगी। अगर आप इस फील्ड में जिसमें आपका दिल लगा है, जिसमें आपका दिल करता है काम करने का, जिसमें आपका जिस जगह आपका दिल लगा, आपको खुद स्पॉन्सरशिप वगैरह आपका यूके का सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हो ना कि मैं इधर भी हो जाऊँ उधर भी हो जाऊँ, उस बंदे कुछ नहीं होता। अब जो बंदे अक्सर ऐसा करते हैं कि सिक्योरिटी में चले जाते हैं, बाद में सिक्योरिटी से निकल नहीं सकते, फिर जब होते हैं फिर महीना महीना फ्री बैठते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपका एक मुफीद मशवरा, मुफ्त मशवरा, चीपेस्ट मशवरा। कोई स्किल सीख के जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, अमेज़न, ताकि ये साइड इनकम जो है आपकी आती है। चलें ये भी जबरदस्त। मलिक साहब आपका मशवरा होना चाहिए। दिल बड़ा करके नीचे भी सोना पड़े, नीचे सोए रोड पे सोना पड़े, रोड पे तेरे में आज जरा लिया रोड ही सही। ये चीज ये तो मैं उम्मीद में आ गया। मलिक साहब को ये सिखाता हूं कि जिस हालात में जाना पड़े रहो नहीं, मतलब मलिक, नहीं नहीं मलिक साहब आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक मतलब आप क्या सजेशन देंगे कि लोगों को आना चाहिए यूके, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टीज बेच के, बिजनेस छोड़ के, जॉब छोड़ के वो यूके आ रहे हैं। नहीं जहाँ पे भी जाना हो पहले सर्च करो प्रॉपर, ड्राइविंग सीख के आओ। अगर आप यहाँ पे मैकेनिक बन के आते हैं गाड़ी में तो आप दिन का अच्छा अर्न कर सकते हैं, पाकिस्तानी लाखों में एक दिन की कमाई है यहाँ पे। चलें जबरदस्त जी। वकार साहब मेहनत करें, जी लगा के कोई भी फील्ड हो भाई, ये ना सोचें कि हम वहाँ से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, ये वो, हम वहाँ पे जाएंगे तो अपनी फील्ड की जॉब करेंगे, ये वो। अपनी फील्ड की जॉब तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे गुजारा करना है, सर्वाइव करना है, तो आपको वहाँ से माइंड सेट बना के आना पड़ेगा कि यार हम स्ट्रगल करेंगे और अच्छे से करेंगे, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ओके थैंक यू जी। राजा साहब एक चीपेस्ट मशवरा दें, अपने जैसा ना हो, मतलब महंगा ना हो। देखिए पहली तो चीज़ है बेसिक जो है ना सीख कर आए। बेसिक ये है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो इस करके पीटा वीटा खा कर गुजारा करते हैं, तो उससे अच्छा ये है, उससे अच्छा ये नहीं नहीं स्किल तो मेरे जवाब आएगा अपनी अपनी ओपिनियंस दी है। वकार की जैद की ओपिनियन मैच नहीं करती,
उसामा की जायद तो हर एक का यूके के अंदर एक्सपोजर अपना है, हर एक की अपनी ओपिनियन बनेगी, अपना जर्नी है, दिमाग खोल के आएंगे ये हम, जैसे हम आ रहे थे, मैं अपनी मिसाल दिया जैद से, मैं डिस्कस करता एक बार कि हम पाकिस्तान या यूके आने से पहले हम हिसाब लगा के हम महीने का 3,000-3,500 बनाया करेंगे, यहाँ आके जरा डिफरेंस ले रही हो तो अपने आप को रेडी हो गया है, मेंटली रेडी रहेंगे किसी भी तरह के हालात आ सकते हैं। हर बंदे के डिफरेंट ओपिनियन है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, लेकिन एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक बात है जो अगर आपसे सीनियर है ना कोई, अगर इस तरह मैं हूँ, अगर मेरे अंडर बंदा काम कर रहा है, अगर उसकी ओपिनियन डिफरेंट है ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज लॉन्ग एज वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। जोशो खरोश से यहाँ पे आके अय्याशी करें आप, ऐसा बाबा है, सुबह 4 बजे उठते हैं, बर्फ पड़ी होती है, अय्याशी कर रहे हैं। देखें पैसा यहाँ पे है थोड़ा सा, अगर आप टाइम लगाते हैं ना, हम सबको एक एक साल 1.5-1.5 साल हो गए तकरीबन, वो डॉक्टर साहब को जरा ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, हमसे हम सब हमें से सारे ऑलमोस्ट एक फील्ड की जॉब कर रहे हैं मलिक के अलावा, और उसमें एक चीज है बहुत बड़ी कि हम सब ने ना अपना नहीं ये मैं सही है, सही कह रहा है यार, हमें सिर्फ मोस्ट इनके अलावा बाकी सारे सेम फील्ड में और हेल्थ केयर में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम सारों ने अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इंटरव्यूज भी दिए हैं। आपको एक टाइम पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा छोड़ के इंटरव्यूज करने देने जाना पड़ेगा, जॉब अप्लाई करेंगे, रिजल्ट एट द एंड ऑफ डे मेहनत की हो तो मिल जाते हैं। यार आते साल आपको इधर प्रोवाइड वाला जॉब नहीं मिलेगी, आपको जेल होना पड़ेगा, टेक में करना पड़ेगा, बर्गर बनाने पड़ेंगे, सालन बनाने पड़ेंगे, बर्तन धोने भी पड़ेंगे, सालन भी बनाने देते टेक अवे पर, पहले बर्तन धुलवाते हैं, टेबल साफ करवाते हैं, भोग मरवाते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, गोश्त की अकड़ तोड़ देता है, ऐसे ही है जो अकड़ होती है ना परदेश वो आप तोड़ दे, ये भी बता दे सही का कह के और अपने यूके से एक्सपेक्टेशन उनको एडवांटेज मिल जाती है अगर वो अपनी फील्ड में स्ट्रगल करना चाहें तो, बस उसके अलावा जो बेचारे हैं ना वो जलील हो जाते हैं, स्किल हो ना हाथ में तो यहाँ रिसेंट जो इवेंट्स आए ना उनके ये है कि मुझे नहीं था पता, पहले भी रिसेंटली पता चला कि कंस्ट्रक्शन जो है आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आया हुआ है जी, ठीक है, वेल्डिंग आपका वेल्डर्स है, शॉर्टेज वेल्डिंग है, ये गैस वो वाले हैं इंजीनियर, वो शॉर्टेज है, कोशिश करें अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया, आप 3 साल का डिप्लोमा होता है सिविल इंजीनियरिंग का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, रिलेटेड फील्ड में अगर आप मास्टर्स करते हैं तो उसके बाद सर्टिफिकेशन करके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन यहाँ पे सारे हैं, लिस्ट में जाके चेक करो ना, A to Z ऑक्यूपेशन आपका शॉर्टेज लिस्ट में आता है, लेकिन वहाँ पे वो स्पॉन्सरशिप उसी को देते हैं जो कॉम्पिटेंट होता है भाई। उसके हाथ में स्किल है तो यकीन करो वो जो सिंपल जो टेक अवे वाले हैं ना उनसे डबल अर्न कर लेगा वो, हम उसके हाथ में स्किल है, किसी के हाथ में भी स्किल नहीं है, डबल की बात कर रहा हूँ, डबल की बात कर रहा हूँ। और यार अच्छा आप सब में से मेरा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो कोई मतलब के आंसर आप सब देना चाहें तो दे सकते हैं, बट वन बाई वन, कि उन लोगों का क्या मतलब के सीन होता है, मतलब जो अपनी फील्ड से बाहर आते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पाकिस्तान में 4-5-6 साल जितने साल भी है मेडिकल की स्टडी की है और यहाँ आ रहे हैं वो मैनेजमेंट में, कि मतलब कि बस हमें वीजा ही मिल रहा है, कि मतलब कि उस बेस पे आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन कि आगे यहाँ क्या बनता है, कि ना आगे के ना पीछे के, उसके बारे में अगर कोई बताना चाहे। यहाँ पे एक कोर्स है MBH, उसके बाद तबाही है बस, उससे आगे कोई चीज नहीं है। उसके बाद हमने ये भी सुना है कि आलू खाने से गैस हो जाती है। किसी भी फील्ड में जाने के लिए अभी कम्युनिकेशन आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, कॉमन सेंस हो, आपने आपको पता हो कि जो भी काम करना पड़ना है मुझे करना पड़ना है, और तीसरी चीज ये कि आपको समझ हो थोड़ी बहुत फील्ड की,
अगर आप ये तीन चीजें हैं ना, जिस तरह अगर आप मेडिकल में या इसमें आ जाते हैं, हेल्थ केयर में आ जाते हो, आपको सेफ गार्डिंग का पता है, आपको बेसिक चीजें पता है, तो आपको कोई भी कंपनी जॉब दे देगी स्टार्टिंग में। उसके बाद प्रोग्रेस करना पे अपना है कि आपको कौन सी कंपनी प्रोग्रेस करना चाहिए, कितना करना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन था ना वो ये था कि ज्यादातर लोग वहां से एडमिशन लेके क्यों आते हैं, उनका मकसद यही होता है कि यूके पहुंचना, यहाँ पे आके उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने जैसे MBBS के हैं, फ्लैप वन, फ्लैप टू, MLE वगैरह, ये तो वो यहाँ पे आके 3 साल होते हैं, उनमें लोग 80% लोग वो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करके अपने टेस्ट क्लियर करते हैं और अपनी फील्ड में जॉब ले लेते हैं। तो ये वाली बात नहीं होती कि आते ही उनको MBBS की फील्ड में या फार्मेसी की फील्ड में या DPT की फील्ड में जॉब मिल जाती है। काफ़ी दोस्त हैं हमारे, एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि ऐसे आए हैं, 1.5-2 साल स्ट्रगल करें फिर अपनी फील्ड में जॉब मिल जाए, तो ये एक स्टेप होता है वहाँ से आने के लिए। और फील्ड चेंज करने की बेसिक जो वजह है ना वो ये है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश नहीं है, इनका क्राइटेरिया आइट्स के हवाले से ना काफ़ी हाई है, तो उस वजह से भी काफ़ी जो आपने क्वेश्चन किया कि मेडिकल स्टूडेंट अक्सर चेंज करते हैं एज ए एग्जाम्पल, तो मे बी ये भी वजह हो सकती है कि दूसरी फील्ड्स में जो आइट्स क्राइटेरिया ना वो कम है, तो इस वजह से जो आपके है ना जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं आपके, उनमें एक चीज बड़ी ये पाई जाती है, नॉर्मल फैशन है फील्ड स्विच करना, आप उम्र के किसी भी हिस्से में लो फील्ड, स्टूडेंट्स हमारे पास जरा वो रिसोर्सेज कह लें या लिमिटेशन है हमारी वीजा के प्रॉपर, तो आप अगर यूके आगे अपनी फील्ड स्विच कर रहे हैं इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अगर आप स्टार्ट करते हो ज्यादा जैसे कहा कि प्रोग्रेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, फील्ड के अंदर इंटर होना बड़ा आसान है, आपको एंट्री लेवल जॉब मिल गई है, आपने फील्ड के अंदर प्रोग्रेस फिर अपने ऊपर करना है कि आप इस तरह इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपको प्रोग्रेस होती जाएगी। हेल्थ केयर के अलावा सब इक्वल है, सब किसी को जॉब नहीं मिलती, उसी में लोग चाहिए, बाकी सारे में जो है ना बहुत मुश्किल से। ये बात है कि हेल्थ केयर में छोड़ने से ज्यादा जरा स्ट्रगल ज्यादा है, फेल हुआ था 2020 में जब कोविड हुआ है, लोगों ने हायरिंग वर्सेस बंद कर दिए, लोगों ने बंद शुरू हो गए, नर्सेस ने बहुत ज्यादा रिटायरमेंट लिए, इन्होंने इवन ड्राइव की थी एक एनएचएस ने कि हम नर्सेस को रिटेन करें, अभी भी नर्सेस की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो उसके बाद इनका ये जो सिस्टम है सोशल मीडिया का वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से काफी चीजें चेंज हुई हैं, तो हेल्थ केयर में ज्यादा शॉर्टेज है, ये बिल्कुल है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।